खातेगांव में कांग्रेस ने अनेक जन समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में कांग्रेस पदाधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच खातेगांव जनपद सभागृह में एक बैठक भी हुई। बैठक के दौरान 11 बिंदुओं में दिए गए ज्ञापन में कांग्रेस ने सड़क दुर्घटनाएं, मूंग खरीद शुरू न होने, गाँव गाँव में अवैध शराब की बिक्री जैसे मुद्दे उठाए और चेतावनी दी कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। मुख्य उसमें मुद्दा जो था हमारा कि हम लोग जो है लगातार शासन की नीति जो बनी हुई है उससे पीड़ित है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे मंडी मूंग खरीदी की बात हो। साथ ही साथ हमारे साथी जो बताया वहाँ पर कि मूंग खरीदी में सारी मूंग 90% बिक चुकी है और मूंग कहाँ है मंडी के बिक चुकी, व्यापारी उन्होंने खरीद चुके हैं और वही मूंग जब सरकारी खरीद चालू होगी तो बाजार में मंडी सोसाइटी में आकर बिक जाएगी। जो भ्रष्टाचार उसमें हो रहा है तो हमने अधिकारी से निवेदन किया कि जो जितने व्यापारी हैं उनका स्टॉक चेक करा जाए और वो स्टॉक चेक करके उसको वो मूंग बाजार में ना बिक सके, सोसाइटी में ना बिक सके, इस बात पे ध्यान रखा जाए। ज्ञापन दिया है उनका, उन्होंने हमें करीब 11 से 12 बिंदुओं से के संबंध में समस्याओं से आकर्षित करवाया है। रही बात NH के सर्विस रोड की तो उसमें संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके निश्चित रूप से सर्विस रोड का डामरीकरण जो हमें करवाना है वो हम करवाएंगे और प्रशासन की यही प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द हम लोग सर्विस रोड और मेन बाईपास जो है उसको चालू करवा पाएँ। इसके लिए हम नियमित तौर पर बैठक कर रहे हैं और बारिश के पूर्व हम लोग इसको चालू करवाने के